रणबीर संग कदम से कदम मिलाती नजर आई राह। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोनों का क्यूट फोटो। एटली संग क्या काम करने वाले हैं सलमान खान? आखिर कौन से बड़े धमाके की चल रही है प्लानिंग? करीना कपूर और आयुष्मान खुराना को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट। एक साथ कौन से प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं दोनों? साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक क्या खास था आज दिन भर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Hey guys, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं बजूका रिव्यूज। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर हो साउथ इंडस्ट्री, अक्सर कई ऐसी हॉट न्यूज हमें सुनने को मिलती है जिसे सुनकर हम भी खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो बात करें आज की सबसे हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शामिल है कल की 2898 AD का एंथम सॉन्ग, वो भी भैरवा का। जी हाँ, जो फाइनली अब आउट हो चुका है और इसे देखने के बाद ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, क्योंकि इसमें दिलजीत दोसांझ और प्रभास एकदम से अलग किरदार में नजर आ रहे हैं। जहाँ दिलजीत दोसांझ ठुमके लगा रहे हैं, तो एक्शन पैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्रभास। और भाई, जिस तरह से पंजाबी मुंडे बने हुए नजर आ रहे हैं प्रभास, वो तो देखने लायक है। वैसे ऑल ओवर गाना काफी अच्छा है, तो अगर आपने भी सुन लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये आपको। वेल, अगर हम बात करें अपने अगले हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में अगले नंबर पे शामिल है रणबीर कपूर। जी हाँ, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के साथ बेटी राहा का फोटो शेयर किया है। हालांकि इस फोटो में दोनों सामने से नजर नहीं आ रहे हैं और ये बैक साइड से फोटो को क्लिक किया गया है, लेकिन रणबीर इस दौरान राहा का हाथ पकड़े हुए और दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फोटो इतनी क्यूट लग रही है कि ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। वेल, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने अगले हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में शामिल है करीना कपूर और आयुष्मान खुराना। रिसेंटली मेघना गुलजार ने खुलासा किया है कि उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट में करीना कपूर और उनके साथ आयुष्मान खुराना एक साथ नजर आने वाले हैं, और ये फिल्म इसी साल के एंड तक शूट हो सकती है, जो 2025 में रिलीज की जा सकती है। हालांकि अब इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने अगले और सबसे बड़े हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में शामिल है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सलमान खान। और एटली की तो हम क्या ही बात करें, उनकी फिल्में तो अक्सर धमाल मचा ही देती हैं। अब ऐसे में सलमान खान और एटली की केमिस्ट्री अगर बनती है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये दोनों एक साथ क्या धमाल मचाने वाले हैं। सोशल मीडिया पे खबरें काफी ज्यादा लाइमलाइट में है कि जल्द ही एटली के साथ फिल्म सलमान खान करने वाले हैं। तो कौन सी फिल्म में आप उन्हें देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। वेल, अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शामिल है मुंशा फिल्म। जी हाँ, रिसेंटली एक हफ्ते पहले मुंशा रिलीज हुई है, और हैरानी की बात यह है कि मुंशा ने 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर लिया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि रिसेंट में जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं अक्सर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हुई नजर आई हैं, भले ही वो कितने भी बड़े स्टार कास्ट की फिल्म क्यों ना हो। ऐसे में मुंशा ने 57 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या मिस्टर एंड मिसेस माही कभी इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें मिस्टर एंड मिसेस माही के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इनका आंकड़ा 37 करोड़ तक कलेक्शन पहुंचा है। 40 करोड़ तक भी टच नहीं कर पाई है मिस्टर एंड मिसेस माही, जबकि इसे 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है रिलीज हुए। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या मिस्टर एंड मिसेस माही इतने ही कलेक्शन में सिमट जाएगी। वैसे तो मुंशा का जादू चल ही चुका है, लेकिन अगर आपने भी देख लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी ये फिल्म आपको। वेल, ये थी बी टाउन इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स आपके लिए, लेकिन इसमें से किस न्यूज की आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अननोन फैक्ट्स के लिए देखते रहे बजूका रिव्यूज चैनल को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।